गुड मॉर्निंग क्लास हाउ आर यू ऑल आई होप एवरी वन इज फाइन एंड स्टार्टिंग वेल एट योर होम सो विल स्टार्ट टू न्यू चैप्टर चैप्टर ट्वेल्व सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सो वी विल सी कि हम लोग को क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकते हैं क्वेश्चन पॉजिटिव हैं या फिर सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है नेगेटिव है तो कैसे पता चलता है कि पॉजिटिव सेंटेंस कौन सा है और नेगेटिव सेंटेंस कौन सा है ठीक है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज जम्प डू यू डांस यू आर अ गुड गर्ल आई डो नॉट फी अटर्स मेक वर्ड्स एंड वर्ड्स मेक सेंटेंस क्या लेटर्स वर्ड्स बनाते हैं जो वर्ड्स रहते हैं वो सेंटेंस बनाते हैं ठीक है एक सेंटेंस क्या होता है वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, है ना हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड्स विथ अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क से एंड होता है मीनिंग होती है उसको और उसमें वर्ब होता है स is is her her है फॉलोइंग आर सेंटेंस हर नेम इज सोनीम सोनी ये पहला सेंटेंस है दूसरा हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर नेम इज सोनीज हर नेम सोनी मतलब उसका नाम सोनी है है ना तो ये होते हैं सेंटेंस जहां नॉट आ जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं है ना पॉजिटिव में नॉट नहीं रहेगा नेगेटिव में हमेशा नॉट सेंटेंस रहेगा क्वेश्चन मार्क्स लगा है तो वो इंटोरिगेटिव सेंटेंस है है ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो सेंटेंस क्या है इंटोगेटिव सेंटेंस कम टू द नेक्स्ट पेज वी यूज फुल स्टॉप वेन वी आस नो क्वेश्चन ठीक है जब हम लोग को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं वी यूज अ क्वेश्चन मार्क वेन वी आस्क अ क्वेश्चन जब हमें क्वेश्चन पूछना है तो हम क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं इट स्टार्ट विद एम इज आर हैज और हैव इससे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं अंडरलाइन दो सेंटेंस विद विच एंड विद अ फुल स्टॉप एंड सर्किल दो सेंटेंस विच एंड विद द क्वेश्चन मार्क नाउ हम लोग को अंडरलाइन करता है जो सेंटेंस um, को जो फुल स्टॉप से एंड हो रहे हैं और गोला लगाना है जो क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहे हैं तो दीज आर मिनी एंड हर मदर तो ये फुल स्टॉप से एंड हो रहा तो हम लोग इसको अंडरलाइन करेंगे आई डोंट वॉच टीवी इसको क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे दे आर नॉट सिबलिंग्स इसको भी क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे डू यू रीड इन दिस स्कूल तो ये क्वेश्चन मार्क लगाया यहां पे क्या करेंगे फिर इसको हम लोग गोला लगाएंगे सर्किल करेंगे इसको कम इसमें भी अंडरलाइन करेंगे क्योंकि फुल स्टॉप है आई आर यू ऑल राइट क्वेश्चन मार्क है तो क्या करेंगे सर्किल करेंगे प्ले और लीव फुल स्टॉप है अंडरलाइन करेंगे हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क है क्या करेंगे वेरी गुड सर्किल करेंगे सर्किल करो इसको आप लोग रीड एंड लुक रीड लुक एंड राइट री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एंड एंड विद अ क्वेश्चन मार्क ठीक है हम लोग को क्वेश्चन से एंड करना है और क्वेश्चन बनाने हैं देखो जैसे दीज आर रामा एंड हर फादर

My dog has broken the flower vase. Has my dog broken the flower vase? इसमें भी लगेगा क्वेश्चन मार्क आई एम सेलिंग फ्लावर्स आर यू सेलिंग फ्लावर्स ठीक है यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा लुक एंड राइट लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द सेंटेंस दिस इज अ क्रोकोडाइल यहां बताया जा रहा है कि एक क्रोकोडाइल है नाउ इसके लिए बनाना तो क्या लिखेंगे हम लोग दिस इज एन एप्पल राइट हियर दिस इज एन एप्पल ये क्या है काइट है तो दैट इज काइट ये लिख सकते हो आप लोग या फिर आप लोग लिख सकते हो द बॉय इज फ्लाइंग काइट यू कैन राइट दिस ऑल्सो द बॉय इज फ्लाइंग अ काइट ये क्या हो जाएगा आई एम स्टिंग क्योंकि बॉय यहां पढ़ रहा है और ये क्या है माउस एंड कैट है तो क्या हो रहा है ये द माउस इज कैच बाय अ कैट आप ये भी लिख सकते हो या फिर द कैट इज कैचिंग द माउस आप लोग ये भी लिख सकते हो क्लियर कम टू द नेक्स्ट पेज रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एंड विदुल स्टॉप ठीक है इज द बुक इज ऑन द टेबल अब क्वेश्चन दिया है अब हम हमको उसको सेंटेंस में लिखना है द बुक इज ऑन द टेबल द बुक इज ऑन द टेबल इन्हीं में से वर्ड जम्बल करके इधर लिख देते हैं है ना तो वो सेंटेंस बच जाता है जैसे कि देखो आम आई हेल्थी तो आई एम हेल्थी फुल स्टॉप इज टूडे द इंडिपेंडेंस डे टुडे इज द इंडिपेंडेंस डे फिर फुल स्टॉप है ना आर ट्रीज ग्रीन ट्रीज आर ग्रीन फिर फुल स्टॉप हैज माई मदरस मैनी सारी माई मदर हैज मैनी सारी ठीक है इस तरह से इसको करेंगे आप लोग ये दोनों करे करोगे खुद से एग्जाम्पल के तौर पर देखो आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं? नहीं आया तो आप लोग ग्रुप में पूछोगे ओके नाउ अरेज अरेन्ज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑफ वर्ड्स इंटू सेंटेंस चिल्ड्रेन नॉइस आ मेक द अब ये गलत सेंटेंस है अब हमको इसको सही करना है क्या हो जाएगा सही सेंटेंस द चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज क्लियर जैसे फॉल्स ऑन क्रिसमस द दिसंबर ट्वेंटी फिफ्थ तो क्या हो जाएगा द क्रिसमस फॉल्स ऑन डिसेंबर ट्वेंटी फिफ्थ द क्रिसमस फॉल्स ऑन ट्वेंटी फिफ्थ डिसेंबर लव कंट्री वी क्या हो जाएगा वेरी गुड वी लव आर कंट्री क्लियर नाउ दिस यू विल डू एज योर होमवर्क दिस यू विल डू एज योर होमवर्क कि आप लोग से बना कि नहीं बना क्लियर स एंडिंग विदेशन मार्क इज कॉल्ड इंटोरोगेटिव सेंटेंस ठीक है जो क्वेश्चन मार्क के साथ उसको क्या बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेंटेंस एंडिंग विदुल स्टॉप को पॉजिटिव सेंटेंस अटेंस है हम बोले देना आपको कि अगर नॉट लगाओ सेंटेंस में तो वो क्या हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस बट अगर फुल स्टॉप है सेंटेंस में तो वो पॉजिटिव सेंटेंस हो जाता है ठीक है क्लियर रीड द फॉलोइंग कंजर्वेशन एंड राइट द करेक्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एंड इंटोगेटिव सेंटेंस हम लोग को यहाँ पे लिखना है देखो शॉप कीपर वॉट कैन आई डू फॉर यू क्वेश्चन मार्क है कि, तो वन हम लोग इंटोगेटिव सेंट मिल गया हमें मदर आई वॉन्ट असट फॉर माई सन ठीक है फुल स्टॉप है पॉजिटिव सेंटेंस शॉपकीपर हाउ ओल्ड इज योर सन क्वेश्चन मार्क है इंटरोगेटिव सेंटेंस मदर ही इज सेवन ईयर्स ओल्ड शॉपकीपर हियर आर सम शर्ट मदर दे इज आर नॉट ब्राइट कलर शो सम ब्राइट वंस शॉपकीपर सी दिस वन वी हैव गॉट इट टूडे ओनली मदर हाउ मच इज इट शॉपकीपर टू हंड्रेड ओनली मदर जस्ट पैकेट थैंक्स नाउ अब हम लोग को काउंट करना पॉजिटिव सेंटेंस कितने चलो देखिये कितने हैं फुल स्टॉप वाले सेंटेंस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन हमारे पास क्या है पॉजिटिव सेंटेंस है वन टू थ्री थ्री हमारे पास इंटरगेटिव सेंटेंसेस है और नेगेटिव सेंटेंस कितने हैं हमारे पास देखो नॉट किस में लगा है ओनली वन पे ये है बस वन है हमारे पास नॉट वाला तो क्या हो गया वन सेंटेंस हमारा नॉट वाला हो गया ठीक है अब ये आप लोग खुद से करोगे आइडेंटिफाई किए कैसे आप पता लगाओगे ठीक है क्लियर एवरी वन कम टू द नेक्स्ट चैप्टर पंचुएशन एक्सक्लेमेशन मार्क नाउ हम लोग पंचुएशन समझेंगे है ना रीड द फॉलोइंग सेंटेंस वॉट अ ब्यूटिफुल गार्डन ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ये मार्क ठीक है हु टुडे संडे ये मार्क जो भी जहाँ भी आप लोग देखोगे तो ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इज यूज वेन वी से समथिंग एक्साइटिंग और अनएक्साइटिंग जब भी हमें कोई खुशी होती है और जब भी हम कभी दुखी होते हैं तो जो हम लोग पंचुएशन यूज़ करते हैं उसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इफ़ देंटेंस है इंटरजेक्शन एंडुलटॉप ठीक है इंटरजेक्शन जैसे ये हुर्रे आ गया है ना उसके बाद हम लोग एक्सप्लेमेशन लगाए फिर फुल स्टॉप से एंड किए इसको हम लोग कहेंगे चलो देखते हैं इसको कलर द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे पहचानेंगे हम लोग इसका एक ही वो है ये इस साइन का रहता है हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का साइन क्या होता है ये इससे हम पहचानते हैं जैसे कलर करना है तो ये देखो दिस चाइल्ड इज प्रिटी ये वाला साइन नहीं है तो यानी कि ये नहीं है वॉट अ प्रिटी चाइल्ड ये वाला साइन है मतलब इसको आप लोग कलर करोगे वाव देखो ये वाला साइन है यहाँ पे भी इसको भी कलर करोगे आई डोंट वॉच टी वी इसमें नहीं है मतलब इसको कलर नहीं करोगे ओ गॉड फॉ गेव में देखो साइन है मतलब इसको भी आप कलर करोगे डी डू और डाई फुल स्टॉप है नहीं करोगे है ना इस तरह से पहचानना जाता है ये एक्सक्रेटरी सेंटेंसेस को पहचानना है तो ये वाला सिंबल हमेशा रहेगा तो उससे हम इसको पहचान सकते हैं कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ अब यहाँ इंसर्ट करना है आपको ये तो कैसे इंसर्ट करोगे जैसे हेलो लिखा है एक्साइटिंग थिंग हुई हमारे साथ है ना तो इसको यहाँ पे इंसर्ट करोगे सो so सैड कहाँ करोगे यहाँ पे करोगे है ना दश, ओ करोगे यहाँ पे इसको करोगे लुक आई हैव द मैच तो कहाँ करोगे यहाँ पे करोगे वॉटर लवली चाइल्ड ये दाइंस ओवर है ये इस तरह से इंसर्ट करते हैं क्लियर सो इन दिस वे वी हैव कम्पलीटेड अवर चैप्टर होप यू हैव अंडरस्टूड कोई भी डाउट होगा आप ग्रुप में पूछ सकते हो क्लियर थैंक यू क्लास हैव अ वेरी वंडरफुल डे अहेड